दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण फल, जिसको हमें बहुत ही ध्यान के साथ में समझने की जरूरत है। दिनांक 22 अप्रैल से देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी चाल को बदल देंगे। जैसे ही अपनी चाल को बदलेंगे तो ऐसी स्थिति में देवगुरु कुछ परिस्थितियों में आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और कुछ ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जिसमें ये आपको फल काफी अच्छा देंगे। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या परिवर्तन है कि एक गुरु कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ के लिए बुरा, वही गुरु उसका वही स्वभाव पर उसके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है, उसके पास प्लेसमेंट गलत जगह हो जाने के कारण वो कुछ राशियों के लिए पीड़ादायक भी बनेगा। क्या होगा ये तो चर्चा का विषय है और चर्चा होनी भी चाहिए। चर्चा करने से बहुत सारे विचार निकलते हैं और जब विचार उत्पन्न होता है, निकलते हैं, तो उस पर शोध भी होता है और जब शोध होता है तो उससे एक नया परिणाम निकल के हमारे समक्ष आता है और उस परिणाम के आधार पर हम उस चीज का भोग करते हैं। तो आज की यह वीडियो आपके लिए समर्पित है, देवगुरु बृहस्पति के फल के दृष्टिकोण से समर्पित है। आज की यह वीडियो विशेष रूप से शनि की दृष्टि तीसरी जो गुरु के ऊपर रहेगी उसको भी समर्पित है। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का जो चंडाल दोष बनेगा उस दृष्टिकोण से भी ये समर्पण का भाव यहां पर इन तीन ग्रहों का देखने को मिलेगा। मुझे चिंता केवल एक बात की है जो सबसे ज्यादा सता रही है, वो ये कि 22 अप्रैल से जब यह परिवर्तन होगा देवगुरु का और गुरु की और राहु की यह युति बनेगी और मेष राशि के अंदर यह युति बनेगी तो यह युति अच्छी नहीं होती है। अब यह युति कब अच्छी नहीं होगी ये विषय आ जाता है गहराई में फल को जानने का। जैसे मैं भी बैठा हूं और आप भी बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, आप मेरी बिल्कुल यहां बगल में बैठे हैं, तो मेरी फल देने की जो क्षमता होगी ना मित्रों वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बढ़ क्यों जाएगी, क्योंकि हम दोनों नजदीक बैठे हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा समीप हैं। और जब हम दूर हो जाएंगे तो फिर मेरा फल आपके ऊपर कम रहेगा या आपका फल मेरे ऊपर कम रहेगा, कुछ ऐसा ही होगा। जी हां, अब ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही परिवर्तन होगा तो राहु और गुरु बहुत एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। ये नजदीकियों में दुष्प्रभाव क्या होगा पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि दुष्प्रभाव समझने से ही आप आगे के शुभ फल को समझ पाएंगे। तो 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति की जो मेष राशि में आते ही डिग्री रहेगी वो होगी 0-0 और राहु की डिग्री होगी 10। यानी कि परिवर्तन के साथ तो कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा, संकट बनेगा आपके लिए विशेष रूप से लगभग मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में। यह जो तीन महीने रहेंगे इसमें गुरु राहु नजदीक आ जाएंगे और काफी नजदीक आ जाएंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है इस बात को समझ लीजिए। देखिए जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के समीप होते हैं तो मैं अभी राशियों की तो बात कर ही नहीं रहा, मैंने राशियों पर तो चर्चा शुरू ही नहीं की, मैं एक जनरल व्यवहार सभी 12 राशि वालों को बता रहा हूं, आप समझ लेना। अगर आपको यह युति में उदासीनता आएगी, इसमें वैमनस्य के भाव उत्पन्न होंगे, घर बार छोड़ने की इच्छा होगी, मन बहुत ज़्यादा विचलित आपका रहेगा और आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा सताएंगी और धन हानि के चोरी के योग बनेंगे, आपको उदर विकार होगा, कोई गुप्त रोग की संभावना बनेगी, गुप्त शत्रुओं का यहाँ पर भय बनेगा, धन का अपव्यय होगा, माता पिता को शारीरिक कष्ट पहुँचेगा, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, ऐसा ग्रह गोचर गुरु राहु की युति में आपके जीवन में मई जून और जुलाई 2023 में देखने को मिलेगा। अभी मैंने फिर मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी पर्टिकुलर राशि की बात मैं नहीं कर रहा। शरीर पर आके बैठेंगे तो इस शरीर से संबंधित पीड़ा देंगे, पैसे पे आकर के बैठेंगे तो पैसे से संबंधित पीड़ा देंगे, तीसरे स्थान में आएंगे तो छोटे भाई बहन मित्रों से संबंधित पीड़ा होगी, अब ये सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में पीड़ा होगी, ये कर्म भाव में बैठेंगे गुरु राहु तो कैरियर में रुकावटें आएंगी, यही राहु 12वें भाव में गुरु और राहु बैठेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, यही भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य को स्लो करेंगे। तो दोस्तों
इसका अर्थ यह निकलता है कि आपको इन 3 महीनों में सावधान रहना है। अब फिर अच्छा कब होगा उसके विषय में भी चर्चा करनी है, और उसके लिए चर्चा इसीलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ विशेष राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए जुलाई के बाद यानी कि अगस्त के बाद, अगस्त से देव गुरु बृहस्पति काफी अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे और मेष राशि में रहते हुए इनको आत्मबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में कहना चाहता हूं जिसको सुकून मिलेगा वो रहेगी मेष। मेष वालों, आपके लिए काफी सुकूनदेह वातावरण प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे मिथुन राशि के विषय में। आपके लिए भी परिस्थितियां पॉजिटिव रहेंगी फिर अगस्त 2023 से, जिसमें आपको प्रॉफिट लाभ प्राप्त होगा। कैरियर की स्थिति मैं भी बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं कर रहा, डीप बताऊंगा आपको अलग से, एक बहुत साइंटिफिक वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जिसमें बहुत डीप जानकारी आपको दूंगा। अभी मैं आपसे एक गो थ्रू हो रहा हूं फल के ऊपर कि आप इसको समझ लें। कर्क राशि के ऊपर जो प्रभाव रहेगा उसमें आपके कैरियर को ये प्रभावित करेंगे अगस्त से, और आगे कैरियर की गति मजबूत होगी, एक नई दिशा और दशा मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं सिंह राशि की बात करूँ तो आपके लिए भी जो फल है वो पॉजिटिव दिशा में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान पर यह गुरु का प्रभाव आ जाएगा और गुरु के प्रभाव से आपके मान सम्मान के लिए, संतान बुद्धि उन्नति और धन के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव सहयोगी बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ धनु राशि के विषय में। इस राशि के लिए पंचम भाव पर देव गुरु रहने से ये त्रिकोण को भी देखेंगे और त्रिषड़ाए यानी कि 3, 6, 11 ग्यारहवें भाव को भी देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे, तो लाभ के लिए, भाग्य के लिए और मान सम्मान के घर को देखेंगे। इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक दिखाई पड़ेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के लिए। आपको जो ग्रह योग संयोग शुभ रूप में प्राप्त होगा इसका फल आपको प्राप्त हो रहा है सुखों के पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु माता के स्वास्थ्य पर कष्ट नजर आ रहा है। कैरियर की स्थिति ठीक रहेगी पर खर्चों की वृद्धि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मीन राशि के विषय में। आपके लिए मार्केश स्थान पर गुरु रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे और सेकेंड हाउस में रहेंगे, धन धान्य तो देंगे पर परिवार में अलगाव और अहित स्थिति बनेगी। कर्म की गति भी यहाँ पर शुभ रूप में प्रभावित होगी क्योंकि धन में बैठ करके आपके कर्म को देखेंगे, तो आजीविका के संसाधनों में और नौकरी से संबंधित विशेष लाभ देने का कार्य देव गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दोस्तों ये एक वो जर्नल बात करी मैंने, अब मैं आगे जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आज ये बेस के रूप में वीडियो काम करेगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, तो आप में संपर्क कर सकते हैं और यह परिवर्तन 1 वर्ष काफ़ी निर्णायक रहेगा। नमस्कार।